बड़ा फखर महसूस कर रहे हैं वर्ल्ड कप दिया ले आके यार कोई ले आओ का वर्ल्ड कप शर्ट का पहनते भाई नु दियो शर्मिंदगी महसूस हो रही है नहीं कितने बच्चे हैं तीन बच्चे हैं क्या उम्र है 5 साल है 3 साल है और 1 साल 5 साल 3 साल और 1 साल यानी तीनों बच्चे उस उम्र में जिनको हर रोज आपकी जरूरत है जी जी आप क्या करोगे आप तो जाओगे अल्लाह खैर करे जेल जाओगे बस दुआ करो उन्होंने पीछे कौन सांभेगा अल्लाह पाक है अल्लाह पाक तो पहले भी है सन तो हुन भी है तो आगे भी रहना है जी जी तुसी किथे हो बस ही हुन आगे जावा कोई पैगाम दे अपने बच्चों के लिए बस पैगाम यही कि जो मैंने करता था ये गलत था आगे की करना है वो दसो आगे नहीं करेंगे इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह अपने हलाल करेंगे हलाल कमाऊंगा अपने बच्चों वास्ते हलाल को अनफॉर्चुनेट चीज ये है जी कि आपके सामने जो मामला रख रहा हूँ इसमें ये चार लोग जो मेरे सामने खड़े हैं मैंने पहले भी बात की कि दे आर नॉट मिलियनर्स और बिलियनर्स होता क्या है कि गंजी नाई की थी निचोड़े की दो नंबर काम इससे कमाना था उस शख्स ने जो पिशावर बैठा है ये लोग सिर्फ मुंह काला करने के लिए मौजूद है अगर मैं कोई हार्श वर्ड बोल रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा लेकिन कुछ कमाया तो हो ना फिर नजर भी आए कि यार कोई बहुत बड़ा बंदा है बहुत दौलत इकट्ठी कर चुका है आखिरी सवाल करेंगे उसके बाद आगे चलते हैं कितने की ये एक गट्टी बिकती है 12,000 की इसमें कितने हैं कितना बना 5 लाख यानी 5 लाख रुपया 12,000 रुपए में ये रेट है आप भी बेचते थे हमें वो इक्विपमेंट दिखाया जाए वो मशीनरी भी दिखाई जाए जिससे ये तमाम दो नंबरी होती है जी है तशरीफ लाएं बिस्मिल्लाह हाँ जी आप आगे चलिए आफ्टर यू अच्छा जी वसीम भाई इनसे भी करते हैं आई जस्ट वॉन्ट टू सी दिस पेपर ये पेपर जी आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जगह जो है ये तार डालने के लिए ये दो पेपर जोड़े जाएंगे जी ये सिंपल से हैं आम पेपर हैं दो ये तैयारी के मराल के बाद इस तरह इनको किया जाता है और ये दो पेपर गिलू से जोड़ के ना ये इसमें से तार गुजारते हैं लेकिन ये बड़े फाइन वे में जोड़े हैं जी बड़ी ये मशीनरी इनके पास हर तरह की अवेलेबल है इसके अंदर कायदे आजम की तस्वीर भी जी बैकग्राउंड में छपी हुई है शायद आपको इस तरह नजर नहीं आ रही लेकिन मेरे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विंडो में चलाने के लिए और आपके हजूर पेश करने के लिए इसका बैकग्राउंड से लाइट देकर आपको तमाम चीजें दिखाई जा सके अच्छा ये हो गया अब ये वो पेपर का सैंपल है जिसमें से तार गुजर चुकी हुई है देख सकते हैं अभी इस पर कुछ चीज प्रिंट नहीं हुई तार गुजर चुकी हुई है दो कागज जुड़ चुके हैं और बिल्कुल ये ऐसे हैं पता ही नहीं चलता कि दो कागज जी ये पूरी तैयारी से इन्होंने किया है ये नहीं पता चल सकता आम इंसान ये नहीं पहचान सकता इसको इसको पहचानने के लिए मशीन ही चाहिए जी बिल्कुल मशीन चाहिए अच्छा ये सारे प्रिंटर्स हैं आप ये देखेंगे आपको लग रहा होगा कि ये ईद शबरात पर सजावट के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं ये वो है ये वो नहीं है ये सब तारें जो इसके अंदर डाली जाती हैं अगर एक मुल्क में उसकी करेंसी में ढलने वाली तार का रोल मिल जाता है तो व्हाट डज दैट मीन ये सारा काम एक तरफ वो तार का रोल बनाने वाला मुल्ज़िम एक तरफ होगा तारें कहां से खरीद सर ये आम रोल मिलते हैं ये मुख्तलिफ ये दीवारों पे लगाने के लिए जो ऊपर लिखा हुआ है भाई सर ये वो होती हैं स्क्रीन होता है सर इसके ऊपर लिखाई कैसे तार पे होती है सर स्क्रीन सर वो कहाँ है सर वो नहीं है वो खराब हो गई थी वो ये क्या चीज है सर ये कटिंग की हुई है उसकी तार की जी इसके ऊपर लिखा हुआ है बारीक अल्फाज में हजार 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 यानी ये हजार रुपए के नोट में डलने इनकी छपाई की जाती है क्या होती है जी सर ये स्क्रीन से होता है कहाँ पे करते हो सर वही जहाँ पे सिस्टम था वो मुझे दिखाएं मशीन किसके साथ करते हैं वो मशीन कौन सी सर वो तो फेंक देते हैं वो तो एक जाली सी होती है तो उसके साथ हम भाई ये हजार रुपया जो ऊपर छापा जाता है सर वही बता रहा हूँ आपको स्क्रीन होती है वो कहाँ गई सर वो जाया कर दी हमने तो काम बंद किया हुआ था नहीं है आपने काम बंद किया हुआ सर बंद किया हुआ था कितने अरसे से सर कोई 20-25 दिन हो गए क्या हुआ था सर बंद किया हुआ था क्यों सर मैं हॉस्पिटल में था क्या हुआ था सर बेटी बीमार थी अल्लाह ताला उसको सेहत दे और आपको हिदायत दे अच्छा नाज़रीन ये वो रोलर है अब ये जो पूरा पेपर है ये पूरा पेपर जो है इसके ऊपर दो चीजें हो चुकी होंगी तीन चीजें बल्कि
एक तो इसके ऊपर कायदे आजम की तस्वीर छप चुकी हुई है जो बैकग्राउंड में चलती है, दूसरा इसमें तार डल चुकी हुई है, तीसरा ये दो पेपर जो है आपस में जुड़ चुके हैं। अब उसके बाद इन्होंने किस प्रोसेस से गुजरना था वो भी समझते हैं, कितना टाइम लगता है जी ये रोल, पूरा एक रोल तैयार करने में, इसको तार डालने में और इस तरह आपस में जोड़ने में? सर दो घंटे पांच घंटे? नहीं सर, एक हफ्ता लगता है इसको। एक हफ्ता? जी सर। अच्छा, तो उसके बाद किस मशीन पर ये जोड़ा जाता है? सर इस मशीन पे, ये टूट चुकी है। इस वाली पे? उस मशीन पे। इस वाली पे? जी सर। आगे है, इसको कहते क्या है? सर ये वही तार पतली करने वाली मशीन है। इसको कहते क्या है? तार पतली कर, पतली आपने खरीदनी है कहीं से, क्या कह के खरीदोगे? सर ये तांबा या तार, तांबे की कोई भी तार हो या कोई भी चीज हो, उसको पतला करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। और ये किस लिए इस्तेमाल होती है? सर ये स्क्रैप है। ये स्क्रैप है जी। अच्छा आगे आगे, बाकी तो प्रिंटर है ना, तो ये दोनों मोटर किस लिए? सर ये एसी की मोटर थी। ये शीशा किस काम के लिए? मैं आ रहा हूँ, ये शीशा किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? इसकी भी कोई फायदियत है इसमें नोट बनाने में? नहीं सर, इससे कटिंग हो जाती है। किस चीज की? कागज की। साइड पे इस तरह रख के? नहीं, हाथ से। अच्छा, इसके ऊपर रख के कटिंग करते हैं ब्लेड के साथ। ठीक हो गया जी। सो ये तमाम चीजें आपको दिखाने का एक मकसद है कि आप किसी शहर में मौजूद हैं, आप कहीं पर कर रहे हैं, ये हरामखोरी एक सादा सा काम है। सिर्फ आपको एक दिमाग में खलल होना चाहिए और आपको छोटी सी टेक्निकलिटी होनी चाहिए, उसके बाद इस तरह सर झुका के, सर फेंक के अपनी बच्ची की बीमारी के फौरन बाद आप किसी भी थाने में पहुंच सकते हैं, तो आपको कामयाबी के साथ ये मंजिल अबूर आप कर सकते हैं। ऐसे ही है ना? नहीं सर। अभी बच्ची को, फैमिली को कोई पैगाम देना चाहें? नहीं सर। कोई आया है पीछे वैसे अभी? नहीं सर। कैसे पॉसिबल है कोई ना आया? बस रब्ता नहीं किया सर। आपने नहीं किया जी? उनको पता है आप पकड़े गए हैं जी? उन्होंने तो मुंह भी नहीं लाया। मुझे रब्ता नहीं किया सर। नहीं नहीं, मैं पंजाबी में पूछ लेता हूँ, बुरा ना मनाइएगा। उन्होंने तो मुंह भी नहीं लाया। आप ये कह रहे हैं जिनके लिए आप ये हरामखोरी कर रहे थे उन्होंने आपको नहीं पूछा? ऐसे ही है ना? इतनी सी जिंदगी है भाई। आज इंसान की आंखें बंद हुई, इंसान कहीं फंसा, सब छोड़ जाएंगे। ये क्या चीज है? ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? इनका एक साइज है ना, एक स्पेसिफिक साइज है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये इसमें प्रेसिंग के काम में आती है। इसके अंदर प्रेस करते हैं, इसके रख के ना, हाथ जरा पास करो, निकालो। ये नोट के साइज की है? ये देखे, इसके बीच में नोट रखना है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे से रख के बस इस मशीन में से गुजार देना, उस पे चमक आ जाएगी, बस इतना से काम। यानी ये वो काम है जो आप जो शाइनिंग वाला है? शाइन वाला। इसमें क्या क्या केमिकल इस्तेमाल होता है? कोई केमिकल, सिंपल ये। क्या मतलब हीट में से इसको गुजार? नहीं नहीं, उसमें प्रेस हो जाती है ना, उसको बहुत ज्यादा शाइन कैसे आती है? शाइन इसके प्रेस की वजह से आती है, जितना ज्यादा इसकी गुटाई करेंगे उतनी ज्यादा चमक आएगी। किस मशीन में से गुजारते हैं? ये वाली। ठीक हो गया जी। सिम भाई, कितनी बड़ी इज्जत का मकाम है कि ये वो लोग हैं। इंसान कहता है ना, मेरे को नोट शोट होने में खर्चा, कोई मौज करा, तो इन्होंने तो बना रहे थे। सर ऐसे नोटों को क्या करना है जो ना फैमिली के काम आ सके, ना किसी दोस्त अजीज के काम आ सके, इनको अपने भी ना है। अपने भी ना कर, डेफिनेटली जी, बिल्कुल अपने भी ना काम आए जी। नहीं, कोई नहीं आया इनके पीछे, अभी तक कोई नहीं आया किसी के पीछे। नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं आया इनके पीछे। तो जी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। मैं ऑनेस्टली ये बस इतनी सी बात है, समझ लें कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो आपके अपने, अगर आप किसी बुरे काम की वजह से मुश्किल में आए तो आपके अपने भी कतराएंगे कि कहीं बोझ हम पे ना पड़ जाए, लेकिन किसी अच्छे काम की वजह से मुश्किल में